का प्रयोग करके, का प्रयोग करके, ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन देखो, नंबर एक पद, नंबर दो एड, तीन स्टिल, चार हाउएवर, पांचवा है नेवर द लेस, नेवर द लेस। एडवर्सेटिव कंजंक्शन में पांच कंजंक्शन है आपके, बट येट स्टिल हाउएवर नेवर द लेस, ठीक बच्चों। जब आप इसमें लिखो, जब दो विरोधी बयान, जब दो विरोधी बयानों को आपस में जोड़ना हो तो आपस में जोड़ना हो तो ऊपर लिखे कंजंक्शन का प्रयोग करो, कंजंक्शन का प्रयोग करो, ठीक है। चलो नंबर एक बात लिखो, सी इज पुअर, सी इज हैप्पी, वह गरीब है, वह खुश है। गरीब है तो खुश क्यों है, विरोधी बात है कि नहीं है। तो इनमें से कंजंक्शन चार में इसका उपयोग करो, स्टिल करते हैं, सी इज पुअर, बट करते हैं, बट सी इज हैप्पी, देखो वह गरीब है किंतु वह खुश है, ठीक है। तो पांच कंजंक्शन में किसी का प्रयोग कर सकते हो, विरोधी बात है। दूसरा देखो, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज देखो, ही बर्कडार, ही बर्कडार, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल, उसने कठिन परिश्रम किया तो फेल का हो गया, अब बनाना चाहिए था नहीं, इसमें वो फेल हो गया, तो उसने कठिन परिश्रम किया वो फेल हो गया। ऊपर लिख विरोधी बातें हैं कि नहीं, तो स्टिल एट करते हैं, देखो एट को देख लो, स्टिल कर दे, देखो बर्कडार स्टिल ही फेल, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, अपोजिट बात है। तो ऊपर लेकिन किसी भी कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, देखो द हाउस इज वेरी स्मॉल,
घर बहुत छोटा है, द रेंट में बहुत किराया इज वेरी हाई। घर बहुत छोटा है, किराया बहुत ज़्यादा है। घर छोटा है तो किराया ज़्यादा क्यों है, कम होना चाहिए था है? तो अपोजिट बातें तो ऊपर लिखकर जो सुन एट का जोड़ देखो एट का जोड़ स्टार्ट की जोड़ो। द हाउस इज वेरी स्मॉल एट द रेंट इज वेरी हाई। ये आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, लिख लो आप लोग। अब है अल्टरनेटिव कंजंक्शन नंबर 3, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। वीडियो समझ में आ रहे बच्चों करेंगे। हेडिंग डालो कंजंक्शंस, नंबर 1 आइदर और, आइदर देन देन और, या केवल और, या केवल केवल और या अदरवाइज। दूसरा कंजंक्शन है नाइदर देन नॉर, या केवल नॉर, या केवल नॉर, ठीक है। अब एक एक कंजंक्शन करके पढ़ लीजिए। पहले पढ़िए नंबर 1 आइदर और या इवन और या अदरवाइज का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों देखो इसमें लिखो, जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो, जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो, जब दो विकल्पों में चुनाव प्रकट हो, चुनाव प्रकट हो और दोनों में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक को चुनना हो तो ऊपर लिखे कंजंक्शंस का प्रयोग होगा, कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए एग्जांपल।
वर्क फॉर यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो तुम फेल हो जाओगे बच्चों, या कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ। दो विकल्प में, दो में से आपको एक विकल्प चुनना होगा, या कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ। ठीक बच्चों, तो वाक्य का एक भाग इंपरेटिव अफर्मेटिव होगा। अगर वाक्य को एक भाग इंपरेटिव अफर्मेटिव हो तो तीनों कंजंक्शन के लिए होगा, अदर और अदरवाइज, तीनों कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, जो पार्ट ऑफ स्पीच आयदर के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच और के बाद आएगा। आयदर के बाद जब पूर्व वाक्य है तो और के बाद जब पूर्व वाक्य आएगा। ठीक बच्चों, देखो आयदर बरगार्ड और यू विल फेल, या कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ, एक चुना जा रहा है, चुना जा रहा है, अथवा पहले बच्चों ऐसे लिखो, ऊपर लिखे कंजंक्शन से आइदर और से लिख ले, ऊपर लिखे कंजंक्शन से, ऊपर लिखे कंजंक्शन से, कंजंक्शन से चार प्रकार के सेट जुड़े जाएंगे, चार प्रकार के सेट जुड़े जाएंगे। सेट नंबर एक है, ठीक है, सेट नंबर तो इनका सेट को एक वाक्य इंपरेटिव अफर्मेटिव हो तो हमने बताया तीनों कंजंक्शन को प्रयोग हुए, अथवा बर्कार्ड और प्रयोग होते यू विल अथवा करती हुई You will fail. कठिन परिश्रम करो या फेल हो जाओ, अथवा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक बच्चों, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो दो विकल्प में, दो में से किस चुना जा रहा है, ऊपर लिखे कंजंक्शन से आदर और यादर बाद से चार प्रकार के सेट जुड़े जाएंगे बच्चों। पहला सेट ये है वर्ब आर्ड यू विल फेल, एक भाग सेट का इंपरेटिव अफर्मेटिव हो तो तीनों कंजंक्शन प्रयोग होगा, आदर और को और को और अदर वाइज को। ठीक बच्चों, अब लिख लीजिए इसमें नियम नंबर एक, नियम नंबर सेट का एक वाक्य, सेट का एक वाक्य इंपरेटिव अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। नियम नंबर टू, तीनों कंजंक्शन का प्रयोग हुआ, तीनों कंजंक्शन मतलब आयदर और यादर वाइज, तीनों कंजंक्शन का प्रयोग हुआ, का प्रयोग होगा। ठीक बच्चों, नियम नंबर तीन, दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा, दो विकल्पों में से
किसी एक को चुनना हो, एक को चुनना होगा, दो विकल्पों में से किसी एक को। अब ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा, लिख लीजिए जल्दी से। नंबर दो, सेट नंबर दो, इसमें लिखिए डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच, यू विल डाई, अधिक मत खाओ तुम मर जाओगे, या अधिक ना खाओ या मर जाओ, दो विकल्प में से एक चुनो जा रहा हूं। अगर सेट का एक वाक्य इंपरेटिव नेगेटिव हो बच्चों, सेट का एक वाक्य इंपरेटिव नेगेटिव हो तो केवल और ये अदरवाइज का प्रयोग, अदर और का प्रयोग नहीं होगा फिर, ठीक है। सेट का एक वाक्य इंपरेटिव नेगेटिव हो तो क्या प्रयोग होगा, केवल और या अदरवाइज जोड़ दो बच्चों। Do not eat too much or you will die. अधिक ना खाओ या तुम मर जाओगे, ठीक बच्चों। एक तुम जा रो अथवा do not eat too much otherwise you will die, you will die. अधिक मत खाओ अन्यथा तुम मर जाओगे, ठीक बच्चों। तो सेट का एक बार एक इंपरेटिव नियम लिख ले, नियम नंबर एक, सेट का एक बार इंपरेटिव नेगेटिव हो सेट का एक बाग सेट का एक बाग इंपरेटिव निगेटिव होगा। नियम नंबर दो, केवल और या अदरवाइज का प्रयोग होगा, अदरवाइज का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। नियम नंबर तीन, दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा, ठीक बच्चे। देखो लीजिए कंप्लीट हो गया। सेट नंबर दो, थ्री, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। यू विल बी पनिश्ड, आप दंडित होंगे। यू विल बी पनिश्ड, आप पर अपना कर्तव्य करना चाहिए, या अपना कर्तव्य करो या दंडित हो, ये भी चुनो जा रहा। देखो अगर सेट का एक वाक्य इंपरेटिव असर्टिव है जी, असर्टिव का मतलब होता है कर्ता शुरू हुए, इंपरेटिव भी है असर्टिव। अच्छा जी बताओ ओपन द डोर, जब सही वाक्य जान दो क्या होता है, यू शुड ओपन द डोर, समझ गए बच्चों। यू छुपा रहता है करता है, तो इसमें लगा दिया करता है तो इंपरेटिव है, इंपरेटिव मतलब होता है आदेशात्मक है, इंपरेटिव
लेकिन इसमें कर्ता लगा तो असर्टिव हो गया। कैसे हो गया इंपरेटिव? असर्टिव हो गया। तो स्टेट को एक बार इंपरेटिव असर्टिव तो केवल और या अदरवाइज का क्रिया होगा। ठीक बच्चों, देखो यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ठीक बच्चों, डू योर ड्यूटी और यू विल बी पनिश्ड, विल बी पनिश्ड। बच्चों अपना कर्तव्य करो या दंडित हो, एक ही चुन जा रहे हो, अथवा यू मस्ट डू योर ड्यूटी अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी पनिश्ड। अपना कर्तव्य करो, यू डू यू मस्ट डू योर ड्यूटी। अपना कर्तव्य करो अन्यथा तुम दंडित किए जाओगे। ठीक है, एक सुन हो जाएगा उसमें। अब देखिए सेट का एक बात नियम लिखिए, सेट का एक बात इंपरेटिव असर्टिव होगा। सेट का एक बात इंपरेटिव कैसा होगा बच्चों? असर्टिव होगा। नियम नंबर दो, केवल और या अदरवाइज का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। नियम नंबर तीन, दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा, दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा। लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया। चंद्रशेखर बताओ तुम लोग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस।